वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स दिस इज योर मैक्स रिविजन वर्कशीट अगेन आई मेड वन मोर वर्कशीट फॉर यू ऑन द टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम ऑन एडिशन सो दिस टाइम ओनली अडिशन इज कमिंग नो सब्ट्रैक्शन सिर्फ अडिशन है तो ऑडिशन कैरी ओवर अडिशन है उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स है ओके तो वी विल सी वन बाई वन आई हैव मेड फ्यू वर्ड प्रॉब्लम्स फॉर यू वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर वन रीड करो मेरे साथ रवि बॉट ट्वेंटी फाइव मार्बल्स रवि कितने मार्बल्स लेकर आए हैं ट्वेंटी फाइव मार्बल्स हिज फ्रेंड राजव हिम थर्टी सिक्स मोर सो उसके फ्रेंड राज ने कितने दिया थर्टी सिक्स मोर का मतलब होता है और मिला उसको रवि के पास ऑलरेडी ट्वेंटी फाइव रवि ने ऑलरेडी ट्वेंटी फाइव खरीद लिया और उसके फ्रेंड जो राज है थर्टी सिक्स दिया है तो हाउ मैनी मार्बल्स डस रवि हैव नाव अब रवि के पास कितने मार्बल्स हैं तो ये क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम सिंपल क्वेश्चन है क्लास वन में तो आपको स्टेटमेंट्स नहीं बनाना है वो तो बहुत इजी है बहुत सिर्फ आप क्या करते हैं इसलिए क्वेश्चंस भी नहीं रीड करते हैं आप बहुत सारे बच्चे को मैं नोट करती हूँ तो सिर्फ ये टू नंबर्स लेके जो प्लस करना माइनस करना जो भी है बट क्लास टू में ऐसे नहीं है यू आर नाउ गोइंग टू क्लास टू सून तो वहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट्स भी फॉर्म करना है यू हैव टू फ्रेम स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स मीन्स सेंटेंसेस भी बनाना हर एक वर्ड प्रॉब्लम के तो मेरे मैंने एक ऑलरेडी आई हैव मेड ऑन वीडियो ऑन द टॉपिक की हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस इन सब्ट्रैक्शन फॉर सब्ट्रैक्शन सम्स एंड फ्रेमिंग सेंटेंसेज फॉर एडिशन सम्स वो मैं आपके साथ बाद में जब एग्जाम्स कम्प्लीट होने के बाद ड्यूरिंग हॉलीडेज पर मैं शेयर करूँगी वो वीडियो को दे के प्रैक्टिस करो ओके okay? आपको सेंटेंसेस फ्रेम करना आना चाहिए अब तो सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करेंगे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे अभी तो आपको स्टेटमेंट्स नहीं बनाना है फिर भी आप क्वेश्चन को रीड करेंगे ठीक है समझेंगे तो रवि के पास ट्वेंटी फाइव है तो मोर का मतलब और मिलना थर्टी सिक्स और मिला उसको तो इसको कैसे करना है तो इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट एक की पॉइंट आपको नोट करना है कि हाउ मेनी के पास क्या वर्ड है मार्बल्स हैं तो इसका मतलब है कि जो हाउ मेनी के जी हाउ मेनी मतलब कितने कितने मार्बल्स ये जो हाउ मेनी के पास जो वर्ड है ना वो वर्ड को आपको हमेशा नोट करके रखना है क्लास वन में ठीक है इससे आपको पता चल जाएगा कि, कि किसके बारे में बात हो रही है किसके बारे में बात हो रही है मार्बल्स के बारे में अब तो कैसे इसमें आंसर लिखना है अभी क्लास वन की मैं बात कर रही हूँ पहले टेंस वंस लिखना है टेंस वंस इंपॉर्टेंट है ठीक है फिर एक बॉक्स बना दो कैरी के लिए तभी आपको याद रहेगा कि कैरी आपको ऐड करना है फिर ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स सो ट्वेंटी फाइव और थर्टी सिक्स जो भी नंबर है ट्वेंटी फाइव मार्बल्स उस रवि ने बॉट की है और थर्टी सिक्स Uh, उसके फ्रेंड राज ने दिया तो लाइन डालो और एडिशन के जो ये जो साइन uh, है ये इम्पोर्टेंट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू पुट प्लस अब ऐड कर दो कैसे सिखाया मैंने आपको एडिशन कीप सिक्स इन द माइंड एंड फाइव इन द फिंगर बिकॉज सिक्स इज़ अ बिग नंबर एंड फाइव इज अ स्मॉल नंबर कीप सिक्स इन द माइंड एंड फाइव इन द फिंगर सो सिक्स प्लस फाइव हाउ मच सिक्स के बाद आफ्टर सिक्स काउंटिंग स्टार्ट करो माइंड में जो सिक्स है सिक्स के बाद काउंटिंग स्टार्ट करो आप लोग क्या करते हो ये तो यहाँ तक तो ठीक करते हो बिग नंबर को माइंड पे रख दिया स्मॉल नंबर को फिंगर्स पे रखने के बाद फिर आप आफ्टर सिक्स काउंट करना है तो सेवन से स्टार्ट करना है ना आफ्टर सिक्स तो सेवन से स्टार्ट करना है लेकिन आप कैसे करते हैं फिर से वन टू थ्री ऐसे ऐसे तो नहीं करना चाहिए है ना

मैंने बोला ना मिस्टर वन इज एंग्री मैन यू शुड ऑलवेज एड कैरी अदरवाइज ही विल बी वेरी एंग्री एंड गिव यू जीरो मार्क इन द एग्जाम अगर आप मिस्टर वन को ऐड नहीं करेंगे तो ये मिस्टर वन गुस्सा हो कि ये सब पूरा गलत करवाएंगे और जीरो नंबर मिलेगा अगर आप मिस्टर वन को ऐड करेंगे ही विल बी हैप्पी एंड गिव यू फुल मार्क्स हैप्पी होंगे फिर फुल मार्क्स मिलेगा फुल मार्क्स चाहिए ना तो फिर ऐड करना है टू प्लस थ्री फाइव प्लस वन सिक्स ओके सो so, इंपॉर्टेंट क्या है आंसर आंसर के लिए हाफ मार्क सो दिस आंसर आप अलग से लिखेंगे तो यू विल बी गिवन हाफ मार्क इस तरफ लिख दो ये yeah, आंसर yeah. में जो क्या आंसर है वॉट इज दंसर सिक्सटी वन सिक्सटी वन लिखे ऐसे छोड़ देते हैं नहीं है सिक्सटी वन क्या है किसके बारे में बात हो रही है मार्बल्स ना सो सिक्सटी वन मार्बल्स ओके योर आंसर इज डन नाउ क्लियर आप करेंगे ऐसे आप सेकेंड क्वेश्चन रीड करते हैं सारे क्वेश्चन फटाफट रीड करेंगे मेरे साथ आप भी रीड करो आशी हैज ट्वेंटी सेवन चॉकलेट्स हर ब्रदर अभिजीत गेस हर ट्वेंटी एट मोर हाउ मेनी चॉकलेट्स डस आशी हैव ऑल टुगेदर आशी के पास ट्वेंटी सेवन चॉकलेट्स हैं अभिजीत ने कितना दिया है उसको ट्वेंटी एट मोर सो मोर ये जो मोर वाला सम ये भी मोर है ये भी मोर है सेम सम है ना सेम है सेम पैटर्न है तो कर लो आप ठीक है अब आदिराज पिकड तर्टी किसके बारे में इसमें बात हो रही है हाउ मेनी चॉकलेट्स सो आंसर में क्या वर्ड आना चाहिए चॉकलेट्स आदिराज picked थर्टी सेवन फ्लावर्स एंड हिज फ्रेंड आदिति पिक्ड फोर्टी नाइन फ्लावर्स सो आदिराज ने कितने फ्लॉवर्स पिक किया है थर्टी सेवन और आदित्य ने फोर्टी सेवन फ्रॉम देयर फ्लावर गार्डन जो गार्डन से अपने गार्डन से उन्होंने इत, इसने इतना फ्लावर्स तोड़ दिया और आदित्य ने फोर्टी फ्लावर्स पिक किया तो टोटल तो 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 हाउ मेनी हाउ मेनी के बाद क्या है फ्लावर्स तो आंसर में फ्लावर्स आना चाहिए हाउ मेनी फ्लावर्स डिट दे पिक ऑल टूगेदर दोनों मिलकर कितने फ्लावर्स पिक किया है नेक्स्ट so है नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है एक मिनट सेट करती हूँ माई गॉड अन मदर बॉट ट्वेंटी टू एंड थर्टी ऑरेंजेस फ्रॉम दार्केट अनंत की मम्मी ने कितने फ्रूट्स क्या क्या फ्रूट्स लेकर आए हैं उन्होंने Twenty seven apples एंड thirty seven ऑरेंजेस तो हाउ मेनी फ्रूट्स अब यहाँ पे अब अप, एप्पल और ऑरेंज नहीं लिखना है आंसर में क्या लिखना है हाउ मेनी के बाद क्या है फ्रूट्स फ्रूट्स के बारे में बात हो रही है ना तो फ्रूट्स लिखना है आंसर में अश्विका रिसीव्ड ट्वेंटी फाइव गिफ्ट अश्विका को कितनी गिफ्ट मिला ट्वेंटी फाइव एंड हर फ्रेंड देव गेव हर एट मोर गेव ने उसको और कितना दिया एट अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना ये टू डिजिट नंबर है ये सिंगल डिजिट नंबर है तो कैसे लिखेंगे आप ट्वेंटी फाइव इधर लिख दो इस साइड ट्वेंटी फाइव एट को जीरो एट समझना है एट जीरो नहीं समझना ओके एट जीरो समझना है अगर सिंगल डिजिट नंबर है नंबर के आगे जीरो मिलाना है पीछे नहीं पीछे मिलाएंगे तो क्या बनेगा ये ऐट के आगे मिलाएंगे तो जीरो एट मतलब एट ही है लेकिन एट के पीछे जीरो लगाएंगे तो एट ही बन जाएगा बहुत बिग नंबर होगा ये फिर ठीक है ये ध्यान रखना ये मोर क्वेश्चन है जो जैसे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया ना मोर वाले क्वेश्चन है सेम पैटर्न है ठीक है करो नेक्स्ट देखो फार्मर मोहन हैज ट्वेंटी एट काउस एंड फिफ्टीन गोट्स इन हिज फार्म ये सारे आपके क्लास के बच्चों के नेम्स हैं बट फार्मर मोहन मैंने ये डिफरेंट नेम रख दिया है तो मोहन के पास कितने काउज हैं ट्वेंटी एट और फिफ्टीन गोट्स हाउ मैनी एनिमल्स ड ही हैव इन टोटल मोहन के पास अभी टोटल कितने एनिमल्स हैं आंसर में काउज एंड गोट्स नहीं लिखना है क्या लिखना है हाउ मेनी के बाद क्या है एनिमल्स सो so, आंसर में क्या वर्ड आना चाहिए एनिमल्स टोटल एनिमल्स कितना है वो ढूंढ के लिखो देर आर नाइनटीन बॉयज एंड ट्वेंटी थ्री गर्ल्स इन द क्लासरूम क्लास रूम में कितने बॉयज हैं नाइनटीन बॉयज एंड ट्वेंटी थ्री गर्ल्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देर इन टोटल सो इसमें जब आप आंसर सॉल्व करेंगे आंसर में बॉयज एंड गर्ल्स ना ही लिखना है स्टूडेंट्स लिखना है स्टूडेंट यहां से स्टूडेंट्स देखे यहां पर स्टूडेंट की स्पेलिंग करेक्ट लिखना है ओके okay? स्टूडेंट्स की स्पेलिंग इधर दे के नीचे लिखना होता है तो लिखते लिखते ही स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं अगर आपने गलत स्पेलिंग लिखा तो क्या होगा जो हाफ मार्क्स जो मैंने बोला ना आंसर के लिए वो हाफ मार्क्स नहीं मिलेगा जीरो फिर वन एंड हाफ मार्क्स विल बी गिवन इंस्टेड ऑफ टू मार्क्स हाफ मार्क्स मत कटवाना ध्यान से लिखना ठीक है नेक्स्ट है दृष्टि पैक्ड फिफ्टी टू सैंडविचेस एंड हर फ्रेंड हार्दिक पैक्ड ट्वेंटी नाइन मोर ये जो मोर सेम क्वेश्चन है सेम पैटर्न क्वेश्चन है तो ये बहुत ईजी है कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है so, सो इसके दृष्टि ने इतना पैक किया और हार्दिक ने इतना पैक किया टोटल दोनों मिलकर कितना पैक किया ठीक है अब हाउ मेनी सैंडविचेस आंसर में क्या वर्ड आना चाहिए सैंडविचेस देर आर ट्वेंटी टू बर्ड्स ऑन द ट्री एंड फिफ्टीन बर्ड्स ऑन द ग्राउंड पेट पर ट्वेंटी टू बर्ड्स बैठे हैं और ग्राउंड पे फिफ्टीन बर्ड्स हैं हाउ मैनी बर्ड्स आंसर में बर्ड्स आना चाहिए टोटल बर्ड्स कितना है पार्क में आर देर इन द पार्क पार्क में एक पार्क में कुछ बर्ड्स फ्लोर पर बैठे हैं कुछ बर्ड्स पेड़ पर हैं टोटल दोनों मिला के कितना है कैसे पता करेंगे प्लस करेंगे सो ऑल दी सम्स आर कैरी ओवर एडिशन सम्स ये नाइन सम्स अपनी रफ कॉपी में करो करने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट पे बताओ कि आपने सारे सम्स ठीक किया है समझ आ गया या नहीं कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बताएंगे ओके इज़ दैट क्लियर ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू